लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक नया चैप्टर, चैप्टर का क्या नाम है, पार्ट का क्या नाम है? लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर डिस्कस किया था ना, फर्स्ट पेज। हाँ तुम कब जाओगे अतिथि? हाँ तुम कब जाओगी अदिति, एक नया चैप्टर हमने डिस्कस किया था। वो स्टोरी का एक थीम इस प्रकार है, हमारा लेखक के घर में एक अतिथि, एक गेस्ट आ जाती है। वो आते समय घर में क्या है, आते समय क्या बहुत गर्च है ना, तो हमारे वो लेखक के मन में बहुत सारी आशंका और उसकी पत्नी वाइफ के मन में भी बहुत सारा टेंशन या आशंका आ जाता है। प्लस क्या है, बटुआ काम काम रहे इस प्रकार एक चित्रण भी है, मेरा बटुआ काम गया, पर्स काम गया, एंड क्या है, लेकिन हमारा लेखक ने और उसकी पत्नी ने अच्छी तरह वेलकम किया गस्ती को। उन्होंने हमारा लेखक ने क्या किया, लेकिन ने कैसे वेलकम किया हमारा गेस्ट को, क्या किया, गले मिलाया हमारा लेखक, लेखक ने अदिति या गेस्ट को क्या किया, गले मिलाया। पत्नी ने क्या किया, रेस्पॉन्ड, पत्नी ने क्या किया, रेस्पॉन्ड माय डियर फोगो, पत्नी ने क्या किया, हमारा लेखक ने अदिति को गले मिलाया, हग किया। प्लस हमारा पत्नी ने क्या किया, सादर नमस्ते की, फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ में सादर नमस्ते की, थर्ड लाइन सादर नमस्ते की तुम्हारे सम्मान में। वो अदिति देन क्या किया, वो अच्छी तरह फूड भी दे दिया, फूड के साथ क्या भी प्रिपेयर किया, स्वीट भी प्रिपेयर किया। मींस एक अतिथि आश्रम में कैसे वेलकम करना चाहिए, उस प्रकार वेलकम किया, अच्छी तरह वेलकम किया उन्होंने। तो इसका चित्रण है फर्स्ट पेज में। ओके, एक अतिथि हमारा लेखक के घर में आते हैं, आते समय उनका मन में टेंशन है खर्च या एक्सपेंस के बारे में सोचकर, फिर भी उन्होंने अच्छी तरह वेलकम किया, अच्छा भोजन फूड दिया, फूड के साथ स्वीट्स भी प्रिपेयर। ओके, इस प्रकार फर्स्ट पेज फिनिश राइटिंग, राइट। इस सारे उत्साह का लेकिन मूल में एक आजादी। ओके, आई एम नाउ आई एम रीडिंग द सेकंड पेज, एक मैम आशावादी। यस मैम, कैन यू सी द पेज नंबर? या माय टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37, माय टेक्स्ट बुक, माय इट इज ओल्ड वन, न्यू टेक्स्ट बुक सेम गौरी, सेम मैम पेज है? 30। 30, पेज 30 रिफा, न्यू टेक्स्ट बुक है तो पेज 30। ओके, 30 पेज नंबर 30 सेकंड पेज देखिए। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान वाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। ओके बच्चों देखिए, हमारा लेखक ने क्या किया, अच्छी तरह वेलकम किया गस्ती को, मेहमान को अच्छी तरह वेलकम किया, फूड भी दिया। इसके पीछे का कारण है क्या है, नेक्स्ट डे गेस्ट विल गो, उनका मन की एक आशा है क्या है, दूसरे दिन द सेकेंड डे किसी रे, पेज नंबर 30 ना, त्रिहरी पेज नंबर 30 सेकेंड पेज, राइट। यस मैम। हाँ सेकेंड पेज मैम, इट्स टेस्ट। दूसरे दिन आशिक, सेकंड पेज आशिक, पेज नंबर 30। दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो हमारा लेखक के मन में एक होप, प्रतीक्षा भी क्या है, हाँ सेकंड डे द गस डेफिनेटली द गस विल गो, एक एक प्रतीक्षा। लेकिन व्हाट हैपन, अंडरलाइन करो, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। एक्चुअली क्या है, हम ये प्लीज डोंट गो, डोंट गो, इस प्रकार करने के लिए आग्रह करेंगे, क्या है इसका मीनिंग। तो क्या है, हाँ डोंट गो, प्लीज डोंट गो, इस प्रकार हम रिक्वेस्ट करेंगे, रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छी अतिथि की तरह चले जाओगे। एक गुड गेस्ट, एक अच्छे अतिथि कैसा है,
कक्षा दीदी के इजा है, एक या दो दिन एक घर में रह रही है, राइट? एक या दो दिन, मैक्सिमम दो दिन, राइट? आफ्टर दैट ही विल गो टू हिज ओन होम, राइट? लेकिन क्या है, हमारा दीदी इज नॉट गोइंग. मगर तुम नहीं मानोगे, एक अच्छी अतिथि की तरह चलेंगे बच्चों. वो सेंटेंस थर्ड लाइन, एक अच्छी अतिथि की तरह चले जाओगे. पर ऐसा नहीं हुआ, पर इस प्रकार नहीं हुआ. क्या है, हमारा अतिथि अब भी घर में है. नेक्स्ट लाइन, दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे. दूसरे दिन, सेकंड डे ऑल्सो क्या है, हमारा वो अतिथि गेस्ट क्या कहा है, सुलभ मुस्कान के लिए, मुस्कान स्माइल करके वो सेम हाउस में बैठते हैं. हम अपनी पीड़ा पी ली, पीड़ा मीन्स हमारा वेदना, क्या है, हमारा टेंशन, हमारा पेन. हम अपनी पीड़ा पी ली मीन्स हमारे लिए बहुत सारा टेंशन वेदना थी, और प्रसन्न बने रहे. लेकिन हम हैप्पी बने रहे, प्रसन्न हैप्पी. हमारे मन में, माइंड में बहुत सारे दुख थे, लेकिन हमारा फेस में हमेशा हम प्रसन्न रहे. स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की. व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट डे गेस्ट को अच्छा भोजन दे दिया, गुड भोजन, दो सब्जी, स्वीट्स एंड. बट व्हाट हैपेंड सेकंड डे, एक लंच, एक साधारण लंच, भोजन को लंच की गरिमा, एक साधारण लंच प्रदान किया. सेकंड डे लंच पर मैम, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीड़ा पीली? पीड़ा पीली मीन्स उन्होंने अपना क्या है, वो वेदना सह कर ली, उन्होंने अपना पेन फील हुआ इस प्रकार, अपना वो पेन. बिकॉज हमारा गेस्ट अब भी घर में है, तो बहुत सारे एक्सपेंस है, तो एक टेंशन है ना सर. ओके, देन और गरिमी प्रदान, गरिमा प्रदान की, और रात्रि तुम्हें सिनेमा दिखाया. ये भी पॉइंट है, अंडरलाइन करना चाहिए. रात्रि, सेकंड रात्रि, सेकंड डे नाइट, रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया. सेकेंड डे नाइट हम सिनेमा भी दिखाया आपको. तो क्या क्या किया, फर्स्ट डे उन्होंने अच्छी तरह वेलकम किया, अच्छी तरह फूड भी दे दिया, देन नीचे क्या है, स्वीट भी बनाया. द सेकेंड डे इज नॉट गोइंग, सेकेंड डे क्या हो गया, अच्छी तरह लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड ऑल दे दिया. देन नाइट में क्या दिखाया, नाइट में रात्रि को क्या दिखाया, रात्रि में सिनेमा दिखाया, सिनेमा दिखाया. हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, प्लीज अंडरलाइन. हमारे सत्कार, सत्कार में ट्रीट करना, ट्रीट, हमारे वेलकम, हमारे ट्रीट, हमारे सत्कार का यही आखिरी छोर है, लास्ट स्टेप, लास्ट है ये हमारा सत्कार, ये हमारा ट्रीट करने का लास्ट स्टेप, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े. आफ्टर दैट वी डोंट क्या है, आगे, आफ्टर दैट या जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, कोई नहीं करेंगे. देन इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए. इसका क्या मीनिंग है, इसके तुरंत बाद मीन्स द थर्ड डे, इसके तुरंत बाद मीन्स आफ्टर दैट, भावभीनी विदाई क्या है, चाचा बाय बाय कहकर जाना. भावभीनी विदाई का वह बीगा हुआ क्षण मीन्स वह बीगा, भावभीनी विदाई मीन्स क्या है, विदाई, विदाई माने चाचा बाय बाय कहकर चले जाना. देखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, यदि थर्ड डे आप गोइंग है तो आपको छोड़ने के लिए, आपके साथ आने के लिए, आपके साथ हम भी आएंगे थर्ड डे, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए, स्टेशन तक छोड़कर इस प्रकार है ना, एक गेस्ट आएंगे तो उन्हें क्या है, वो ट्रेन है तो ट्रेन,
और एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में जाकर हम चाचा भाई भाई घर का देर जर गोइंग ना मैम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक विच पेज 37 प्रज्योत लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ ओवर जब तुम विदा होते तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते पर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने ऐसा भी नहीं किया यदि आप जाते हैं तो क्या है हम स्टेशन पर जाएंगे स्टेशन पर आकर आपको आपको बाय-बाय कर जाने के लिए अवसर दे दूंगा लेकिन आपने ये नहीं किया तो सेकंड डे ये हैपन सेकंड डे भी हमारा गेस्ट नहीं गए तो लेकिन हमारा क्या है हमारा लेक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टेंशन है फर्स्ट डे उन्होंने हमारा घर में ठहरा द सेकंड डे में ही थॉट क्या है हमारा वो घर हमारा अदिति विल गो बट अदिति घर में तीसरे दिन द थर्ड डे तीसरे दिन की सुबह वेरी इंपॉर्टेंट हैंडलिंग करना चाहिए तीसरे दिन की सुबह द नेक्स्ट डे मॉर्निंग थर्ड डे मॉर्निंग तुमने मुझसे कहा हमारा अदिति ने लेखक से कहा अंडरलाइन मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ क्या है सेंटेंस का मीनिंग धोबी मीन्स क्या है धोबी हमारा ड्रेस एंड वॉश करने वाले लोग राइट धोबी मेल पर्सन हमारा ड्रेस कपड़ा वॉश करने वाले लोग हैं धोबी धोबी तो मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ क्या है सेंटेंस का मीनिंग क्या है हमारा अदिति ने अपना ड्रेस अपना डर्टी ड्रेस ना वो ड्रेस किसको देना चाहता है वॉश करने के लिए ड्रेस कौन धोबी को देना चाहता है इसका क्या मीनिंग है वो अपना ड्रेस धोबी को देना चाहता है वॉश करने के लिए इसके लिए क्या इनर मीनिंग है बताओ बताओ He will be staying for a long time. थर्ड डे ऑल्सो हमारे अदिति नहीं जाएंगे उसका मीनिंग है तो हमारा लेखक हमारा अदिति ने लेखक से कहा हाँ मेरा ड्रेस मेरा कपड़ा किसको देना चाहिए वॉश करने के लिए किसको देना चाहिए धोबी हाँ धोबी को देना चाहता यह आघात अप्रत्याशित आघात माने क्या है आघात क्या एनी वर्ड इन इंग्लिश टेंशन एक तरह का टेंशन बट वेरी हर्ट करने वाला टेंशन है आघात एक्चुअली दिस इज मलयालम वर्ड आघातम इट्स अ समथिंग एन इंजरी नहीं एक्चुअली इट्स नॉट वोंड ना आघात मीन्स क्या है हमारा ये हर्टिंग फीलिंग तो देखिए बच्चों आघात अप्रत्याशित मीन्स क्या है अप्रत्याशित सडनली वेरी गुड सडनली मीन्स सडनली मीन्स क्या है इसके लिए एक और वर्ड है सरप्राइज ऑलमोस्ट या इसकी चोट मार्मिक भी चोट मारे वुंड मार्मिक भी क्या है यह क्या है हमारा क्या है इसका मीनिंग हमने डिस्कस किया था अनएक्सपेक्टेड क्या है अनएक्सपेक्टेड और इसकी चोट मार्मिक दी तुम्हारे सामने की वेला एकाएक यो रबर की तरह जीन जाएगी इसका मुझे अनुमान ना था जस्ट सिंपली रीड कीजिए कुछ नहीं इसमें नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज अंडरलाइन हमारे क्वेश्चन आंसर में भी आएगा नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज अंडरलाइन पहली बार मुझे लगा अदिति सदैव देवता नहीं होता प्लीज अंडरलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली बार द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड अदिति सदैव देवता नहीं होता देवता माने देवता गॉडस अदिति हमेशा देवता नहीं होता वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है राक्षस माने राक्षस एक्चुअली मॉन्स्टर डेमन
I'm evil or dead. Ah, okay. So Rakshas actually a Malayalam word hai, Rakshas. Okay, hamara devata Ishwar ka just opposite. Okay, so hamara lega kehta hai, lega kya kehta hai? Aditi hamesha devata nahi hota. थोड़े अंशों में वो राक्षस भी होते हैं, हमेशा एक गस्त देवता नहीं है. समटाइम्स हमारा गस्त क्या भी बन जाएगा, क्या भी बन जाएगा सानिया? राक्षस. राक्षस भी बन जाएगा, राक्षस भी बन जाएगा. अदिति हमेशा देवता नहीं है, वो समटाइम्स या थोड़े अंशों में राक्षस भी. हम मलयालियों के लिए और हम सब के लिए एक कहना है हमारे यहाँ, क्या है वो? अदिति, अदिति, एनीवन नोस? अदिति देवो भव, यू नो? यस मैम. अदिति देवो भव, इस प्रकार का कहना है हमारे यहाँ. मीन्स अदिति को हम अच्छी तरह वेलकम करते हैं, अच्छी तरह फूड देते हैं, रेस्ट करने के लिए प्लेस देते हैं. क्या है इस प्रकार, बहुत सारे थिंग्स, अच्छी अच्छी गुड गुड थिंग्स एंड डिशेस एंड ऑल प्रिपेयर करके देते थे. लेकिन यहाँ, लेकिन वन और टू और थ्री डेज इज ओके, और वन और टू डेज इज ओके. आफ्टर दैट क्या हो जाता है, वो ट्रीट करने का वो रीति बदल जाती है. श्योर, राइट? यस. वन और टू डेज इज ओके, बट आफ्टर दैट क्या हो जाता है, वो ट्रीट, वो अदिति को ट्रीट. यदि हमारे पास पैसा है तो नो प्रॉब्लम. यदि हमारे पास ये वेरी क्या है, रिच है, बहुत सारे पैसा है हमारे हाथ में, नो प्रॉब्लम. यदि हमारे हाथ में पैसा नहीं है तो क्या करूंगा? यदि हमारे हाथ में पैसा नहीं है, हमारे घर में एक गेस्ट है, तो क्या करूंगा? तो ये अवस्था है. ओके, हमारा लेख ठीक. सो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लाइन नोट करना चाहिए. नेक्स्ट लाइन, किसी लॉन्ड्री पर ले देते हैं. क्या है लॉन्ड्री? वॉशिंग क्लोथ्स. वॉशिंग क्लोथ्स. हाँ, वॉशिंग. किसी लॉन्ड्री पर देते जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा. और मन ही मन एक विश्वास पल रहा दी कि जल्दी तुम्हें जल्दी जाना है. कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा. आप अपनी सहज बनियन और औपचारिक कुर्ता डालने लेता. तो सिंपली कॉन्वर्सेशन है यहाँ. जल्दी धूल जाएंगे. यस डियर. धूल मींस वॉश करना. ओके. और अपनी सहज बनियन और औपचारिक कुर्ता, वो नॉर्मल, वो साधारण कुर्ता डालने लेगा. कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, प्लीज अंडरलाइन. नेक्स्ट, नोट दिस, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन. इसके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा. नेक्स्ट लाइन प्लीज अंडरलाइन. मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई. प्लीज अंडरलाइन. मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई. तो क्यों बड़ी बड़ी हो गई, हमारा लेखक ने पूछा. सॉरी, पत्नी ने पूछा. क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, इस प्रकार पूछा. वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार पूछा. तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम लॉन्ड्री पर वो वस्त्र देने के लिए हम जा रहे हैं. तो ये सुनकर क्या हो गया, वो पत्नी की आंखें एकाएक में सडनली बड़ी बड़ी हो गई. उनकी वो आंखें बड़ी हो गई. क्यों? वही क्यों, क्यों पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई? क्यों? वाई? रिस्पॉन्ड. क्यों? Because he is staying. Because हमारा वो अदिति जाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट ना? थैंक यू ब्रदर. आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलापन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर पर घोल दिया. सिंपली नॉन्डल नहीं गाना चाहिए. नेक्स्ट लाइन प्लीज अंडरलाइन. पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटे होने लगता है. प्लीज अंडरलाइन. अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इनर मीनिंग है वो लाइन. क्या है? जब
वे आंखें बड़ी होती है, हमारा वो पत्नी की वाइफ, उनकी वाइफ की आंखें बड़ी होती है लेकिन उनका माइंड छोटा होता, छोटा छोटी हो गई। वे इस आशंका, प्लीज अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भय से बड़ी हुई थी, भय से, टेंशन से बड़ी हुई कि अधिक दिनों चह रहेगा। क्या है इसका मीनिंग? हमारा वो अदिति टू और थ्री डेज नहीं, बहुत सारे दिन हमारा घर में चह रहेगा, तो इसलिए हमारा वो पत्नी की आंखें बड़ी होगी। नेक्स्ट पेज बच्चों, और आशंका, ओके, और आशंका निर्मूल नहीं थी, निर्मूल मीन्स यूजलेस, व्यर्थ। नेक्स्ट पेज, आई नाउ आई एम रीडिंग द थर्ड पेज, और आशंका निर्मूल नहीं थी, और उनका आशंका मीन्स टेंशन, वो टेंशन व्यर्थ नहीं थी, यूजलेस नहीं थी। अदिति तुम जा नहीं रहे, अदिति नहीं जाते, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, तुम यही हो, अगेन हमारा दीदी के, तुम्हारे बरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी, तुम यही हो, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाले मुस्कुराहट धीरे धीरे फीट पड़कर अब लुप्त हो गए। प्लीज अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड लाइन, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट, फूट पड़ने वाली मीन्स दिखाने वाली, फूट पड़ने वाली मीन्स, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट, स्माइल, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, फीकी, क्या है फीकी पढ़ना, फीकी हो जाना, फीकी, फीकी, फीकी हो जाती है, प्रकाश फीकी हो जाना, अब लुप्त हो गए, लुप्त होना में नष्ट हो गए। तो आज सबसे पहले पहला दिन अदिति को देखकर हमारे लोगों ने क्या, सॉरी हमारा लेखक और उसकी पत्नी ने अच्छी तरह स्माइल किया, बातें कर दिया, लेकिन आज क्या हो गया, वो मुस्कुराहट, वो स्माइल ऑल्सो चला गया, स्माइल ऑल्सो नोट द, तहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे आकाश में उड़ते थे, तहाकों के रंगीन गुब्बारे मीन्स कलरफुल, अट्टहास के कलरफुल गुब्बारे, गुब्बारे बलून, जो कल तक इस कमरे आकाश में उड़ते थे, आज हमारे हमें टिल नाउ क्या है, हाँ हमारा लाइफ बहुत सुंदर था, इनर मीनिंग है बच्चों, बहुत सारी इनर मीनिंग है, मीन्स टिल नाउ हमारा क्या है, हमारा लाइफ बहुत सारे कलरफुल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज ये गस्त एक प्रॉब्लम है। बातचीत की उछलती हुई चर्चा के क्षेत्र के सभी कोणलों से चपे गाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी, अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पहला दिन का क्या स्पेशलिटी है, एक गस्त आते समय पहला दिन, हाँ बहुत सारे थिंग्स है बातें करने के लिए, राइट। तो सेकंड डे आने से क्या हो गया, वो बातें करने के लिए वो मैटर कम हो जाता है। तो व्हाट अबाउट थर्ड डे, बातें करने के लिए कुछ नहीं, ओके, ओनली वन अदिति ना, दैट्स इट। तो क्या है हमारा अदिति, क्या है वो हमारा वो रूम के कॉर्नर में बैठ कर वो सेंटर में आकर छुप पड़ी है, सिंपली सिंपली रीड करो, अब इसे न तुम हिला रहे। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज अंडरलाइन, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, प्लीज अंडरलाइन, सेवेंथ लाइन मिडिल, कल से, yesterday से, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, हमारा लेखक एक राइटर है, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, उपन्यास नॉवल रीड कर रहा हूँ,
और तुम अदिति क्या कर रहा है? फिल्मी पत्रिका माने फिल्म मैगजीन के पन्ने पेज पलट रहे है। मीन्स हमारा जो शब्दों का लेन देन मिट गया, मैंने कहा था ना शब्दों वर्ड्स, अब वर्ड्स नहीं है, शब्दों का लेन देन गिव एंड टेक मीन्स शब्दों का लेन देन मीन्स बातचीत करना, प्लीज अंडरलाइन शब्दों का लेन देन मीन्स क्या है? टॉक करना, टॉकिंग, बातें करना, बेटर दिस इज एट्थ लाइन आई थिंक। मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, प्लीज अंडरलाइन चर्चा के विषय, डिस्कशन का विषय, सब्जेक्ट भी नहीं है, चुक गए। नेक्स्ट लाइन फुल अंडरलाइन करना चाहिए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादला, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य आदि के बारे में हमने चर्चा किया था। एक और बार देखिए, परिवार फैमिली, बच्चे चिल्ड्रन, नौकरी रेस्पॉन्ड माय डियर्स, नौकरी ऑक्यूपेशन, नौकरी जॉब या ऑक्यूपेशन जॉब, फिल्म राजनीति रिश्तेदारी रिलेटिव, तबादले नियोजन हमारे फैमिली के बारे में, ओनली दैट, महंगाई देन साहित्य लिटरेचर, ओके। तो इसके बारे में, ये सभी मैटर्स के बारे में लेखक और अदिति के बारे में चर्चा हुआ, ये सभी बातों के बारे में कहा, बातें किया, अब सब कुछ फिनिश हो गया, अब बातें करने के लिए कुछ नहीं, ओके। प्लीज नोट द सेंटेंस, नेक्स्ट क्लास वी कैन कंटिन्यू। तो देखिए बच्चों, हमारा वो चैप्टर सिंपली रीड करके आइए, ओके। हमारा कहानी आपके मन में रखिए, क्वेश्चन पूछते समय मुझे आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, ओके ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट क्लास वी कैन मीट, सी यू, थैंक यू मैम।